तो सेकंड पॉइंट है पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सेकंड सफिक्स शुड बी डिनोटेड बाय लीस्ट पॉसिबल नंबर। अब जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता तो उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। एंड पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एज वेल एज एंड द प्राइमरी सफिक्स इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है प्राइमरी सफिक्स तो क्या होता है, साइक्लो। अगर कोई साइक्लो कंपाउंड है तो उसकी पोजीशन, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमो या फ्लोरो, या कोई CH3R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, तो इस तरह की सभी चीजों को क्या है, पोजीशन दिया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ओवर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो एक कंपाउंड एक एग्जांपल से ही क्लियर करते हैं। तो वो है CH3, यहां पर और एक CH3 लगा देता हूं, CHBr एंड CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 CH3। अब सबसे पहले तो क्या आइडेंटिफाई करना है अपन को, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन वो जो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेगा, फंक्शनल ग्रुप जिस पे लगा हुआ है उस कार्बन को इंक्लूड करें एक्चुअली। सो ये हो गया अपना वो चेन, मेन पेरेंटल चेन। अब ये बोला है कि क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको लीस्ट नंबर दीजिए, कम से कम नंबर दीजिए। तो अगर मैं क्या है राइट से लेफ्ट की तरह नंबरिंग करूंगा तो ही मेरे इस कार्बन को जिस पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिलेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप यह देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो ब्रोमीन है या मिथाइल ग्रुप है उनको किस रेस्पेक्ट में नंबरिंग मिली है, 6 पोजीशन और 5 पोजीशन मिली है दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। तो वो किसके रेस्पेक्ट में मिली है, कीटो ग्रुप के, जो कि अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, और कीटो ग्रुप को मैंने सबसे कम नंबर दिया है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ करता तो उसको मिल जाता 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर मिल जाता इस कार्बन को जिस पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सही नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया इसका नंबरिंग। तो इसका इसका नंबरिंग ये तो करेक्ट है राइट से लेफ्ट, और अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं और उससे कुछ और चीजें क्लियर करते हैं अपन, नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CHOH एंड CH3। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, OH एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना, तो ये जो है इस कार्बन पर लगा हुआ है और उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो सीधा सा मतलब है कि आप नंबरिंग कर लीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ट्रिपल बॉन्ड को भी मैंने यानी कि मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर दिया मेरी मेन चेन में, ये मेरी मेन चेन। हालांकि मेन चेन को चूज करना फर्स्ट रूल है, देन नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये लिख दिया मैंने पेंट। अब 5 पर क्या है आइन, तो मैं यहां लिख देता हूं उसको 5-pentyne। ओके, देन अब मेरा लगने वाला है सफिक्स, कौन सा सफिक्स, ओ एच, सेकेंडरी सफिक्स, और ओ एच का सफिक्स क्या होता है, ओल। ओ एल रिप्रेजेंट करता है ओ एच ग्रुप को, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ खास चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक रूल था जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ था, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें भी अपन ट्रिपल बॉन्ड
और एक फंक्शनल ग्रुप रखा है। ये मैंने मल्टीपल बॉन्ड ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पे एक रूल लिखा था कि आपको वो मेन चेन चूज करनी है जो कॉन्टिन्यूस हो और मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करे। बट इससे पहले एक रूल पड़ा हुआ था, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके साइकिल में जितने भी कार्बन है अगर वो कार्बन ज्यादा हो, कितने हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, तो आप उसको पेरेंटल चेन मानेंगे बजाय कि बाहर वाले। ये बाहर कितने हैं 1, 2, 3, यहां पर 3 कार्बन ही है और मेन चेन किसको माननी पड़ेगी। अब इस केस में आपको ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लिक 6 कार्बन है, उसको मेन चेन मानना पड़ेगा। इस केस में आप मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी तरीके से याद रख लेना आप, वरना क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या कर देते हैं, ये मेन चेन इस रूल के अकॉर्डिंग ये मेन चेन बना देते हैं, ये मेन चेन नहीं बनेगी। या तो मेन चेन बनती ये या बन जाती ये जो पूरी है, ठीक है। अब प्रायोरिटी कैसे दूंगा मैं कि OH को इंक्लूड करना मेरी प्रायोरिटी है और OH किस पे लगा हुआ है, इस साइकिल के ऊपर लगा हुआ है, और दूसरा सपोर्टिव थिंग ये कि इसमें ज्यादा कार्बन भी है, तो ये मेरी मेन चेन हो जाएगी। अब मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को यानी कि मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, तो ये है 1, 2, 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड और ये है प्रोपाइल, प्रोप लिख देता हूं मैं, प्रोप आइन निल प्रोपाइनल, इस तरह का ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसकी पोजीशन कहां है, इसकी पोजीशन मेन चेन में कहां है, OH जो कि अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसकी पोजीशन कहां है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सॉरी 3 है, 3 2 प्रोपिनाइल, तो 3 2 प्रोपिनाइल ब्रैकेट क्लोज, देन अपना मेन चेन, मेन चेन क्या है, हेक्सेनॉल, हेक्सेन सॉरी 6 कार्बन है, बट यहां पर मैं लगाने वाला हूं प्राइमरी सफिक्स जो कि है साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन नॉल, हेक्सेन ऑल। अब एक गलती अपन ने की है, या गलती तो नहीं कह सकते, वन पोजीशन जो OH को देनी चाहिए थी वो मैंने नहीं दी है, वन पोजीशन दो यानी दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर कंपाउंड इस तरीके से लिखे जाते हैं जहां पर वन लिखा नहीं जाता है, जैसे ये कंपाउंड ये भी लिखा हो सकता है 3, 2 प्रोपिनाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, सेम थिंग है, ठीक है। यहां पर मैंने वन को स्पेसिफाइड नहीं किया है OH की पोजीशन को बताने के लिए, और OH क्या है, अपना सेकेंडरी सफिक्स है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन अ चेन कंपाउंड हैज टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आर दोस ग्रुप इन विच कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज ट्राइवेलेंट। एग्जाम्पल से बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी कार्बन है, ठीक है, ये जब भी किसी कंपाउंड में आएगा तो ये टर्मिनल कार्बन होगा, लास्ट एंड वाला कार्बन होगा, ठीक है। और कुछ कंपाउंड और कुछ ग्रुप्स बताता हूं मैं, जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये भी टर्मिनेटिंग है, देन COCl, then ये COOR, then
सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन या सी एन लिख देते हैं इसको सी एन। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, जब भी इन ग्रुप को किसी चेन से अटैच करेंगे कनेक्ट करेंगे तो ये टर्मिनल कार्बन ही होंगे, लास्ट में ही आएंगे, ये कभी बीच में नहीं आ सकते। जैसे मेन चेन में कहीं बीच में नहीं आएंगे, या तो राइट एंड में आएंगे या लेफ्ट एंड में आएंगे या कोई ना कोई एंड होगा उसका, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं इसको भी। सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। तो आपको उसमें क्या करना है, एक रूल तो अपन ने पढ़ लिया कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को मेन चेन में लेना है, ठीक है। तो ये मेन चेन में मैंने ले लिया। अब ये मेरा टर्मिनेटिंग कार्बन है इस केस में, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग यहां से इस कार्बन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, चाहे वो CN हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे COCl हो, एस्टर हो, ये एसाइल क्लोराइड है और ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो अपन ने एग्जांपल दे ही दिया है, अमाइड है, साइनाइड है। तो इन सभी चीजों में टर्मिनल कार्बन होगा और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। आपको आप उस कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन अ कंपाउंड कंटेन टू और मोर लाइक ग्रुप द नंबरिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा एक्सेट्रा आर यूज्ड एंड टर्मिनल ई फ्रॉम द प्राइमरी सफिक्स इज रिटेन्ड व्हाइल राइटिंग द आईयूपीएसी नेम। ये यूं बोल रहा है कि अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेम टाइप के दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, जैसे सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच ओ एच एंड सी एच थ्री, इस तरह के कंपाउंड में क्या करने वाले हैं अपन, जो फंक्शनल ग्रुप हैं जितनी बार रिपीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाय ट्राई टेट्रा ये लगा सकते हैं। जैसे इस केस में 2 टाइम रिपीट हुए हैं, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले तो आप कर लीजिए मेन चेन, देन नंबरिंग करो, इस केस में राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। तो हो गया इसका, पहले तो क्या लिख दूं, ब्यूट एंड अब जो सफिक्स लगाने वाला हूं मैं सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या है, ओल। ओल क्या रिप्रेजेंट करता है, ओएच। अब ओएच की पोजीशन को स्पेसिफाई करना मुझे, तो मैं क्या लिख दूंगा, ब्यूटेन 2.3-diol। ओल ओएच को भी मैं हटा देता हूं यहां से थोड़ा सा दूर, ये हटा दिया मैंने OH को, तो कितने हैं, डायओल, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2,3-butane-diol, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। मैंने क्या यूज किया, डाय, क्योंकि 2 टाइम OH आया और OH कौन रिप्रेजेंट करता है, OL सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स फॉर OH, तो डाय लगा दिया। अगर OH 3 टाइम होता तो मैं क्या लगाता, तो ट्राय, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर होने वाला है। अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें क्या होगा कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया, मान लो एल्डिहाइड भी है OH भी है,
दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब उनका नॉमिनक्लेचर कैसे किया जाए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, कैसे उनका नॉमिनक्लेचर कर रहे हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके okay?